सुल्तानपुरी में चली ताबड़तोड़ गोलियां। गोलियों की गूंज से इलाके में मचा हड़कंप। बेखौफ घूम रहे हैं हथियार बंद बदमाश। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल। अपराधियों में नहीं है सुल्तानपुरी थाना पुलिस का खौफ। के बाद आके और ये हाल हमारे करे है इसने। अब बताओ क्या किया जाए। जो हिंदू कहेगा तो हिंदू करेंगे और मुसलमान कहेंगे तो मुसलमान करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुल्तानपुरी B4 ब्लॉक में, जहाँ फायरिंग की एक घटना को अंजाम दिया गया। और इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर यहाँ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। और इस घटना के अंदर एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि घटना के बाद यहाँ पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है, और लगातार घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है और लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और देखना यह होगा कि फायरिंग की इन घटनाओं पर पुलिस लगाम लगा पाती है या फिर नहीं। वो गिर गए, लड़की उठा के सीधे संजय गांधी। आपको कैसे पता लगा जी? हम यहाँ पर लड़ाई हुई थी, हम खड़े हुए थे तो उसने मेरा नाम लिया, भाई सोनाराम को गोली लग गई, सोनाराम को गोली लग गई है इरफान ने। तो मैं खड़ा था, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे को गोली कैसे लगी? मैं बाहर आया, उसने मैं कल की तरफ देखी तो चुप हो गया, फिर लाठी लेके पारी की तरफ आने लगा था वो। फिर सब बोले सोनाराम को नहीं, नरसिंह को गोली लगी है। तो अभी क्या कंडीशन है उनकी? ब्लेड नहीं रुक रहा है उसका, ब्लेड चालू है, ब्लेड निकल निकल कर रहा है। अच्छा, इस मामले में अभी पुलिस ने क्या, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? पुलिस तो आती है, पूछती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे लगी है, ये पूछ के चली गई। संजय गांधी हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर एम्बुलेंस में लेके गए, तो हमको मेडिकल सफदरजंग लेके गए, वहाँ से उसमें छोड़ के वो डॉक्टर भाग गया था। डॉक्टर छोड़ के वहाँ से निकल आया था वापस, डॉक्टर भाग गया था संजय गांधी का। संजय गांधी पुलिस से क्या डिमांड कर रहे हैं? कोई अरेस्ट हुआ है अभी, कोई क्या कार्रवाई चल रही है? हमको तो कुछ पता नहीं, पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। हम तो वहाँ पे जा रहे हैं, अभी सुबह आए हम, सुबह आए, सारी रात वहीं थे हम। देखे मामला क्या हुआ था, ये जिस दिन से छूट गया तीस दिन से गाली निकाल रहा है हमको, दिन रात गाली पीट रहा है। हम हमारे बच्चों को समझा के रखते थे, लड़ाई में कुछ भी नहीं पड़ा है, बेटा अपने घर में। ये भी बोला, आयोग को भी बोला, हमने बोला फोन करके, बोला वकील सबको बोला कि साहब हमको दिन रात गाली दे रहे हैं। मैं गई बाहर, मेरा देवरदार से हाथ में मेरे लड़के, मैं गई शानू और इरफान दोनों लठ लेके, और मेरे सर पे मार के देख लड़के की लाश मेरे हाथ में, इसको हॉस्पिटल में भर्ती करना है, उसके बाद तेरी मेरी हमारी बारी बात होगी। और तू आके ना हट जा रस्ते में से, मुझको कह रहा तुझे मार दूंगा, मुझे एक को तो मार दे ना, मुझे भी मार दे, हट मुके। फिर मैंने डंडा हटाया और मैं पीछे भागी, और एक गाड़ी वाले जा भैया हमको, इसको हमको हॉस्पिटल पहुँचा दे। तो कह रहा है कि नहीं बहन जी, ये तो पुलिस केस है। मुझे भैया उसने इतनी हिम्मत करके कि हमें बिठा के संजय गांधी तक पहुँचाया हमें, और तुरंत ही उनकी तेरे भाई को कुछ बताया, तेरे भाई को मार दूंगा जान से। ये बड़वा तो थाने में बैठ के कह रहा था मेरे भाई को जान से मरवा दिया, मैं छूट गया हूँ तेरे भाई को मार दूंगा, और इसने आज तेरे भाई को मार दिया, इरफान ने मारा तेरे भाई को। ये वही पार्क है जहाँ पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, और मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि एक बार ये ब्लड के जो निशान है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक शख्स था जिसके गोली लगी, और गोली लगने के बाद वो कहीं ना कहीं घायल हो गया, और बाद में उसको अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी तरीके से और भी ब्लड के और निशान दिखाएंगे हम आपको कि यहाँ पर किस तरीके से जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, और जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि किसी न किसी आरोपी को अरेस्ट भी किया गया है। लेकिन फायरिंग की यह घटना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है।